नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में जहां एक तरफ प्रशासन के द्वारा पूर्णा अभियान चलाकर मृत एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी प्रशासन के मंसूबों पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। पूर्णा अभियान के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का गर्भधारण के दौरान कम से कम एक बार पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण, हाई रिस्क के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं का नियमित फॉलोअप किया जाना था, लेकिन यह अभियान केवल खाना पूर्ति के लिए ही चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उस समय देखने को मिला जब भगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रिछारा गांव की एक गर्भवती महिला मंकुपति मनीष डिलीवरी के कारण दर्द से करा रही, लेकिन उसे देखने वाला व जिला अस्पताल तक ले जाने वाला कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहायता नहीं थी। हम मुन्नी शर्मा। इनका क्या नाम है? मंकू शर्मा। कहाँ की हो? हम ये रिछारा की हैं, हम पन्ना के। अच्छा, बड़ा मतलब कैसे कैसे डिलीवरी के लिए परेशान हो रही हैं आप? परेशान हो रही कि जैसे हम कल बुलाओ उनने सास न जाती अस्पताल है, सो हमें बुलाओ, सो हम आए बस रात है कि पानी चालू होगा, सो हम लेके बूते भागी होते भागू। गाड़ी आई कि नहीं आई? गाड़ी आई थी, उधर से आई थी, क्यों भगवान से मलारा तक आई, मलारा से छतरपुर की कई थी, सो नहीं आए। पानी चालू 10 बजे से है और जी आई नहीं है, और जी नर्सन ने देखो भी नहीं है, कहते हैं कहाँ लो देखी, वो तो जब होने होंगे सो हो जाए। तो बस वाले ने सहायता की आपकी? कही है, हाँ कही है बेटा, नहीं तो बस में हके लो थे आदमी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।